क्या आप लोग अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत एक सरल वेबसाइट के बारे में बताई है, जो कि उस वेबसाइट पर जाकर आपको दो चीज फिलअप करने हैं, एक पैन कार्ड नंबर और दूसरा जो है आधार कार्ड नंबर। इन दोनों चीज को डालने के बाद आप लोग पैन कार्ड को ऑनलाइन बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए क्या करना है आगे वो सब कुछ मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राम के प्रजापति और हमेशा की तरह राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों, पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए हमें सबसे पहले यहां पर अपने फोन में जो गूगल क्रोम ब्राउजर है इसको ओपन कर लेना है। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, आपको यहाँ पर सर्च बार में जाकर टाइप करना है डाउनलोड पैन कार्ड। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर जो गेट ई पैन कार्ड है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिल जाएगी, ऑनलाइन सर्विसेस nsdl.com। दोस्तों, आप इस दूसरी वेबसाइट पर मत जाइएगा, ठीक है, जो सरकारी वेबसाइट है वहीं पर जाइएगा। ऐसा नहीं हो कि आप किसी दूसरे वेबसाइट पर जाकर अपना जो जरूरी इंफॉर्मेशन है आधार कार्ड पैन कार्ड डाल दें और ईमेल आईडी डाल दें और वहां पर जो है आपके ईमेल आईडी पर वायरस वगैरह जो है भेज दिया जाए या फिर कुछ मतलब गलत गतिविधि ना हो। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपको इसी वेबसाइट पर जाना है, onlineservices.nsdl.com पे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है गेट पैन कार्ड का, ठीक है। यहाँ पर ई पैन कार्ड आता है, मतलब कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में आप यहाँ से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ देखिए पैन लिखा हुआ है और यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी पैन कार्ड का नंबर होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना एक डमी पैन कार्ड का नंबर डाल दिया है। दूसरा क्या है, आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पर आधार नंबर बोल रहा है, तो आपके जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर दे। दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मंथ ऑफ बर्थ का और ईयर ऑफ बर्थ का। इसमें क्या करना है, आपका जो महीना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनवरी फरवरी इस तरीके से आएगा, तो जो भी आपका बर्थडे है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है उसका यहाँ पर जो है आपको मंथ डाल देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है मई है, तो मैंने मई डाल दिया, और यहाँ पर ईयर डालना है कि किस सन में आपका जन्म हुआ था, तो आप यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं जो भी आपका जो है सन है यहाँ पर डाल देंगे, बस ये काम करना है। उसके बाद से यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पर दिया गया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, पूरी जानकारी डालेंगे यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर कुछ और नहीं करना, यहाँ पर कैप्चा का आ रहा है आई एम नॉट रोबोट का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कैप्चा आपको डालना जरूरी है, कैप्चा के बिना आप लोग अपने मोबाइल फोन में पैन कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पर आएगा ही नहीं, ठीक है। कैप्चा इसे करने के बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का बटन है इसको डाल देना है। सबमिट का बटन डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज आएगा और यहाँ पर आपको बोला जाएगा अपना जो है ओटीपी मंगाने के लिए, ठीक है। तो ओटीपी मंगाने के लिए आपको दो तीन चीजें दी गई होती है, पहला तो एक तो ईमेल आईडी जो भी आपके पैन कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, और दूसरा मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आप मंगा सकते हैं, आप दोनों पर भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए कि ईमेल आईडी नहीं है तो आप डायरेक्टली अपना जो मोबाइल नंबर है, जो लिंक है जो अपने पैन कार्ड में डाला है, वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर डाल देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वो ओटीपी आपके फोन में मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसी मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, ठीक है। उस ओटीपी को दोबारा से इसी वेबसाइट पर आपको यहां पर डाल देना है। डालने के बाद उसके बाद से जैसे आप जो है सबमिट करेंगे तो उसके बाद से एक जो है जानकारी आएगी कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तुरंत दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर पैन कार्ड नहीं आएगा, दो से चार मिनट लगेंगे। दो से चार मिनट के बाद आपके पैन कार्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर आपका जो पैन कार्ड है न्यू ई पैन कार्ड है वो आ जाएगा। सो बात ये आती है कि आखिर ये पैन कार्ड आ जाता है ई पैन कार्ड, इसमें दोस्तों एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि कोई भी इस पैन कार्ड को ओपन नहीं कर सकता। होता तो ये पीडीएफ के फॉर्म में है लेकिन इसे ओपन नहीं कर सकते। ओपन करने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि
ओपन करने के लिए मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां देखिए वहां पर पासवर्ड बोलेगा डालने के लिए, ई पासवर्ड खोलने के लिए, जो हमारा पीडीएफ है उस पीडीएफ को खोलने के लिए, ई पैन कार्ड को ओपन करने के लिए हमें जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सर पासवर्ड जो है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21/5/91 है, ठीक है। सो 21 में क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पर 21 लिखूंगा, और उसके बाद से 5 मतलब 05 लिखूंगा, और उसके बाद से 1991 ऐसे लिखूंगा। तो ये मेरे जो ई पैन कार्ड है ऑनलाइन जो मैंने डाउनलोड करूंगा उसका ये पैन पासवर्ड हो गया। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद तुरंत वो पैन कार्ड जो है आपका खुल जाएगा पीडीएफ में, उसके बाद से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ दीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।